الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل ست تكريم بزرگان محترم माशाअल्लाह बड़ी खुशी है कि आज इस वसीला सोसाइटी की मस्जिद में इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने में आमद हुई है। नौ मुहर्रमुल हराम है। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए और सही ज़िंदगी हमें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। करीम इम्तियाज साहब बेहतरीन नात पाक सुना रहे थे, लग रहा था कि समंदर पर तैर रहे हैं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नातुन्नबी पेश करना ये इश्क है, ये एक तड़प है, एक जज्बा हुआ करता है। हमारे अकाबिर भी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से नात पढ़ा करते थे, दियारे नबी तक पहुंचते थे। मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा को देखते थे और देख रोज़े अकदस को देखने के बाद तड़प जाया करते थे। मेरे अंदर तो वो कमाल नहीं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के नात के अंदर वो लहजा, जो लहजा जिस लहजे के साथ ये पढ़ते हैं, लेकिन कारी इम्तियाज साहब जहाँ भी माशाल्लाह पहुँचते हैं तो मेरा भी दिल चाहता है कि कुछ नात सुना दो नबी अलैहिस्सलाम पर। सुनोगे इंशाअल्लाह तो बड़े मोहब्बत के साथ नबी अलैहिस्सलाम पर मैं एक नात सुनाता हूँ, फिर बात को शुरू करता हूँ। लिखो जिंदगी तमाम, लिखो जिंदगी तमाम, शाहे दो जा के नाम में सलाम ही सलाम। लिखो जिंदगी तमाम, सारी जिंदगी लिखता हूँ शाहे दो जहां के नाम लिखा करूं। क्या लिखूं?
सलाम ही सलाम, सलाम ही सलाम। लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम, मैं सलाम ही सलाम। लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम, मैं सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना, मैं हुजूर का दीवाना, पढ़ूं उनका तराना। मैं हुजूर का दीवाना, पढ़ूं उनका तराना। गली गली गाम गाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम, मैं सलाम ही सलाम। लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम, मैं सलाम ही सलाम। कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का, कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का, कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का। आमिना के लाल यानी आका पुर नूर का, आमिना के लाल यानी आका पुर नूर का। प्यारा नाम ले ये जब, प्यारा नाम ले ये जब, होट प्यार से ले तब। प्यारा नाम ले ये जब, होट प्यार से ले तब। एक दूसरे को थाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जा के नाम, मैं सलाम ही सलाम। लिखूं जिंदगी, एक साथ पढ़िए, लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जा के नाम, मैं सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना, मैं हुजूर का दीवाना, पढ़ूं उनका तराना। गली गली गाम गाम लिखूं जिंदगी तमाम, मैं तो हुजूर का दीवाना हूं, पढ़ूं उनका तराना। गली गली गांव गांव के अंदर करिया करिया घूम घूम कर मैं तराना पढ़ूं, तो किसका तराना पढ़ूं। मैं हुजूर का दीवाना, पढ़ूं उनका तराना। गली गली गाम गाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जा के नाम, मैं सलाम ही सलाम। जर्रा जर्रा धरती का बोले झूम झूम के, जर्रा जर्रा धरती का बोले झूम झूम के। हूरे कहे आमिना का माथा चूम चूम के, हूरे कहे आमिना का माथा चूम चूम के। हो मुबारक ए माँ, हो मुबारक ए माँ, आज आया तेरे हाँ। हो मुबारक ए माँ, आज आया तेरे हाँ। खुदा का खास इनाम लिखो जिंदगी तमाम शाहे दो जा के नाम, में सलाम ही सलाम। लिखो जिंदगी तमाम शाहे दो जा के नाम, में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना, पढ़ूं उनका तराना। गली गली गाम गाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जा के नाम, में सलाम ही सलाम। कितना था प्यार प्यारा मदनी हुजूर का, सुनिए दिल के कानों से। कितना था प्यार प्यारा मदनी हुजूर का, रो रहा है नन्ना मुन्ना तना एक खजूर का। रो रहा है नन्ना मुन्ना तना एक खजूर का। कितना था प्यार प्यारा मदनी हुजूर का, कितना था प्यार प्यारा मदनी हुजूर का। रो रहा है नन्ना मुन्ना तना एक खजूर का। के नबी ये ताजदार, के नबी ये ताजदार, याद आए बार बार। के नबी ये ताजदार, याद आए बार बार। हो हसीन सुबह शाम लिखो जिंदगी तमाम शाहे दो जा के नाम, में सलाम ही सलाम। लिखो जिंदगी तमाम शाहे दो जा के नाम, में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना, पढ़ूं उनका तराना। गली गली गाम गाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जा के नाम, में सलाम ही सलाम। मैं राज हजरत मूसा को जमीन पे, मैं राज हजरत मूसा को जमीन पे, पर शाहे जुदा को अरश बरीन पे।
पर शाहिद जहां को अर्श बरीन पे, मेराज हजरत मूसा को जमीन पे, पर शाहिद जहां को अर्श बरीन पे, पर शाहिद जहां को अर्श बरीन पे, कैसा होगा वो समा, कैसा होगा वो समा जब अल्लाह से नबी अलैहिस्सलाम ने मुलाकात होगी की होगी, वो समा कैसा होगा जब नबी अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो रही होगी, किससे? रब्बे पाक से मुलाकात हो रही होगी। हम तो तड़पते हैं यहां मुलाकात के लिए, और मेरा आका नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए वहां पहुंच गया होगा, कैसा मंजर होगा वो मंजर। तो शायर नक्शा खींच रहा है, मेराज हजरत मूसा को जमीन पे, मेराज हजरत मूसा को जमीन पे, पर शाहिद जहां को अर्श बरीन पे, पर शाहिद जहां को अर्श बरीन पे, कैसा होगा वो समा जब रब्बे दो जहां, कैसा होगा वो समा जब रब्बे दो जहां हुए उनसे हम कलाम, लिखो जिंदगी तमाम शाहिदो जा के नाम में सलाम ही सलाम, लिखो जिंदगी तमाम शाहिदो जा के नाम में सलाम ही सलाम, मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना, गली गली गाम गाम लिखो जिंदगी तमाम शाहिदो जा के नाम में सलाम ही सलाम। हजरत कारी इम्तियाज साहब की मोहब्बत में हमने सुना दिया माशाल्लाह। तो हम ये इतना सारा पढ़ते नहीं है, ना मिजाज है पढ़ने का, लेकिन ये है कि माशाल्लाह ये मोहब्बतें हैं, प्यार हैं। उससे पहले भी माशाल्लाह ये भरूच में ही अक्सर वेस्टर शुरू किया हमने ये काम, वरना उससे पहले तो कई प्रोग्राम कहाँ कहाँ हो चुके, हमने कभी इस तरह का अंदाज इख्तियार किया। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए। माशाल्लाह मुफ्ती सुहेल साहब बड़ी मोहब्बत रखते हैं, और भी जो मोइनुद्दीन भाई हैं और जो और लोग हैं जो इस माशाल्लाह प्रोग्राम के लिए मेहनतें करते हैं, कोशिशें करते हैं, बहुत से नौजवान यहाँ बैठे हैं। अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए, मोहब्बत को कबूल फरमाए। नियत करो कि इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम को हम रखते रहेंगे इंशाल्लाह। अकाबिर का आना ये बहुत बड़ी बात है, लोगों इसके कद्र को जानो। जब याद रखें कि ये माहौल जब ख़त्म हो जाएगा ना, तब रोते रहोगे आप लोग। ये माहौल बहुत प्यारा माहौल है, अल्लाह वाले आते हैं, अल्लाह वालों के आनों की वजह से बाग जो है ना, अगर बाग खेत जो है, खेत अगर वो हमारा बिखर चुका हो, खेत हमारी हमारा खेत खराब हो चुका हो, तो ये अल्लाह वालों के आने की वजह से खेत के अंदर हो सकता है, बागे बाहर आ सकती है। अल्लाह वालों को दावत दिया करो, अल्लाह वालों को बुलाया करो, उनकी नज़र लग गई उनकी ज़िंदगी, उनके अगर कोई बात ऐसे कि दिल में उतर गई तो हमारा काम बन जाएगा। मैं अक्सर एक बेशतर एक मिसाल दिया करता हूँ कि नल के करीब बैठ जाओ, अगर नल के करीब अगर आप बैठते हैं तो करीब बैठने की वजह से नल के अगर नल आपने चालू किया है तो उसके छींटे आप पर आएंगे, और आप पलट कर बैठोगे तब भी उसके छींटे आपके ऊपर गिरेंगे। आप इसी तरह मिसाल से समझो, अल्लाह वालों को दावत दो, अल्लाह वालों को बुलाओ, उनकी बातें सुनो, हो सकता है कि अल्लाह की जो रहमतें उन अल्लाह वाले पर उतर रही है, आप तवज्जो के साथ सुनो ना सुनो, उनकी रहमतों का जर्रा अल्लाह ताला आप तक भी उतार देगा। पानी के छींटे जो उड़ सकते हम पर, कतरात गिर सकते हैं, हम पलट कर बैठे तो उसके कतरात तब भी उड़ सकते हैं। अल्लाह की रहमतें अल्लाह वाले पर उतरती हो और हम पर उतर गई, हमारी जिंदगी तब्दील हो गई तो हमारा काम बन जाएगा। हमारे पास ऐसी भी जिंदगी खाली है, बहुत गुनाहों में जिंदगी हम गुजारते हैं, आंखें देखो गुनाहों में डूबी है, जबान देखो गुनाहों में डूबी है, हाथ पैर गुनाहों में, जितनी लफाजी हम करना है कोई करता नहीं होगा, इतने गुनाह हम करते हैं। बाहर की जिंदगी अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, एक एक फर्द अपने गिरेबान में झांक कर देखे, पता चलेगा अल्लाह के पास अगर अभी अल्लाह ने बुला लिया, फरिश्तों को ये कह दिया कि जितने लोग बैठे हैं उनके रूह को खींच लो, इनकी आंखों को बंद कर दो, इनकी जबान को खींच लो, इनके कान की सुनवाई को बंद कर दो, अल्लाह के पास अगर हम चले गए, जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, एक लफ्ज नहीं है कि अल्लाह को हम जवाब दे सकते। बहुत गुनहगार है, बहुत बड़े पापी हैं,
बहुत गीबतें की है, बहुत चुगलियां की है, बहुत हमने बदमाशी की है, हजारों के इज्जतों की धज्जियां हमने उड़ाई है, माँ बाप के इज्जत की धज्जियां हमने उड़ाई है, खेल कूद तमाशे हमने किए हैं, बहुत गुनाह किए। इस धरती पर जितना शरीर बनकर हम चले हैं कोई और नहीं चला होगा। मैं कहता हूं कि यह धरती भी पना मांगती होगी, कहती होगी कि अल्लाह इस जालिम और बदबख्त को मेरे जमीन से उठा ले, अल्लाह ऐसे को ले जा, इस धरती पर मुझे जरूरत नहीं है। ये धरती भी पना मांगती होगी। अल्लाह से हम दुआ करें कि अल्लाह हमें ऐसा काम का बना दे, नेक और मुत्तकी और परहेजगार बना दे, सुन्नत शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा दे, वरना बहुत गुनाह किया, बहुत गफलतें की हैं। अल्लाह से हम दुआ मांगे, और ये महीना बहुत बाबरकत महीना है, मुहर्रम का महीना, अल्लाह हजारों लोगों की मगफिरतें करता है, और कितने लोगों के उलमा और अकाबिर ने बात लिखी है कि हजारों लोगों की तौबा इस महीने के अंदर, बल्कि इस इन अय्याम के अंदर अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की है, तो अल्लाह हमारी भी तौबा कबूल कर लेगा। दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, गफलत की बहुत जिंदगी, गुनाह वाली जिंदगी बहुत गुजारी, आंखें गुनाहों में हमने लगा के रखा, जबान को गुनाहों में हमने लगा के रखा, कान को गुनाहों के अंदर लगा के रखा, हाथ और पैर को गुनाहों में लगा कर रखा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशे की जगह नहीं है, और हम लोग तमाशों के पीछे लगे हैं, हम खेल और कूद के जिंदगी के पीछे लगे हैं, हम ये समझते हैं कि कोई हमें पूछने वाला नहीं है, कोई हमें पकड़ने वाला नहीं है, कोई हमें बुलाने वाला नहीं है, हमें कहीं जाना नहीं है। अगर जिंदगी ऐसी गुजर रही है और इस तरह जिंदगी गुजार के चले गए, और कल कयामत के दिन अगर अल्लाह हमसे सवाल पूछने वाला नहीं है और अल्लाह हमसे पूछने वाला नहीं है, तो जैसी जिंदगी गुजारना है गुजारे, लेकिन याद रखें अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के सामने चेहरा दिखाना है। अल्लाह एक एक चीज का सवाल पूछेगा, अल्लाह पूछेगा आपने जबान कैसे इस्तेमाल की, इस जबान के बारे में जवाब देना होगा, कभी इस जबान को पकड़ के सोचना कि इस जबान ने कितने गुनाह किए हैं, कितने के दिल तोड़े हैं, कितने के दिल को छलनी किया है, इज्जत के धज्जियां इस जबान ने उड़ा के रखा है, लोगों के दिल को तोड़ के रखा है। आज हम हैं मुसलमान, लोगों के दिल तोड़ने के लिए हम बदमाशी पर उतर आते हैं, लोगों के दिल को छलनी करके रख देते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम ही बहुत बड़े चालाक हैं, हम ही बहुत बड़े होशियार हैं, हम ये समझते हैं कि हम कमाल दर्जे के हैं, हमें कौन पूछने वाला है, हमें कौन देखने वाला है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के पास जवाब देना है। इस जबान को कभी पकड़ के सोचना कि इस जबान से हमने कितने गुनाह किए हैं, इस जबान से कितने का दिल तोड़ा है, कितने वो लोग होंगे जो घर में सो रहे होंगे, और वो घर में सोते सोते सोता होगा, वह बेचारा बैठ कर सोच रहा होगा, क्या सोच रहा होगा कि मुझे उसने मेरा दिल तोड़ दिया है, उसने मेरा दिल को छलनी कर दिया है। वो बेचारा कभी कभी अपने बच्चों से कहता होगा, बेटा बेटा मैं क्या बताऊं, क्यों फलाना इब्ने फलाना जो है ना, उसने मेरे दिल को छलनी करके रख दिया, बेटा मैं किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा पाता हूं, बेटा मैं इलाके में निकलता हूं, बेटा मैं गांव में निकलता हूं, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पाता हूं, उसने मेरे दिल को छलनी करके रख दिया। लोगों अपनी जिंदगी की तरफ देखो, इस जबान को पकड़ के सोचो, कल कयामत के दिन इस जबान को भी अल्लाह के सामने हिसाब देना होगा, आंखों को भी अल्लाह के सामने हिसाब देना होगा, कान को भी अल्लाह के सामने हिसाब देना होगा, हाथ और पैर को भी अल्लाह के सामने हिसाब देना होगा, किसी के इज्जत की धज्जियां उड़ाई है अल्लाह के सामने जवाब देना होगा, सूद के ऊपर रकम ली है अल्लाह के पास जवाब देना होगा, माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है अल्लाह के पास जवाब देना होगा, किसी के साथ खेल किया है अल्लाह के पास जवाब देना होगा, किसी के खेत और खलियान को बर्बाद किया है अल्लाह के पास जवाब देना होगा, किसी की विरासत की रकम को लूटा है अल्लाह के पास जवाब देना होगा, निकाह के अंदर फजूल खर्ची की है अल्लाह के पास जवाब देना होगा। अगर आपने ऐसी फजूल खर्ची की है कि कोई गरीब और लड़की बिचारी करीब में बैठे अपने माँ के करीब पा गई और माँ के पास जाकर कहने लगी, अम्मी 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 उनके घर में बेहतरीन शादी हो रही है, अम्मी उनका घर तो बेहतरीन, वो बेहतरीन सज रहा है, अम्मी उनके घर में तो बेहतरीन सारे नगारे और सारी चीजें बज रही है, अम्मी अम्मी घर का हाल तो ये है कि आज तो हमारे घर में खाने के लिए नहीं, हमारे कम से कम शादी करने के लिए तैयार होगा। वो बच्ची तन्हाई में बैठकर रोती होगी, वो लड़की तन्हाई में बैठकर जारों कतार रोती होगी। लोगों इससे पहले के अपने
शादियों का अंदाज बदल दो, अपने घर के माहौल को बदलो, इस्लामी माहौल में रहने की कोशिश करो। ये महीने आते हैं, ये पैगाम देते हैं, और नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके तमाम सहाबा ने कुर्बानियां देकर बतला दी। हुसैन ने भी कुर्बानी देकर बतलाई, उस्मान ने भी कुर्बानी देकर बतलाई, उमर ने भी कुर्बानी देकर बतलाए, अली ने भी कुर्बानी देकर बतलाए, सारे सहाबा ने कुर्बानियां देकर यह बतलाया है कि जिंदगी हम गुजार कर गए हैं, हम नबी अलैहिस्सलाम के इश्क में जिंदगी गुजार कर गए हैं, और तुम्हारा हाल देखो कि तुम किस तरह जिंदगी गुजार करा रहे। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अनु के बारे में आता है कि उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अनु एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, 40 दिन तक के दाना पानी उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अनु पर बंद कर दिया गया। दाना पानी 40 दिन तक के पानी पेट में नहीं गया। बिचारे पेट में बिचारे बिलबिलाने लगे और कहने लगे, अली को पैगाम दिया कि पानी पेट में नहीं गया, जुबेर को पैगाम दिया कि पानी पेट में नहीं गया, आयशा को पैगाम दिया कि पानी पेट में नहीं गया। अली कहते हैं, मशकीजा उठाते हैं और पढ़ते हैं उस्मान गनी की तरफ कि पानी लेकर जाए, लेकिन बागियों ने मशकीजा को पकड़ा, उठाकर यूं फेंक दिया और पानी को देने वहां भेजने ना दिया। अली ने जब देखा कि उस्मान तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अमामे को निकाला, अमामे को निकालने के बाद उसको भिगोया, और भिगोने के बाद उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दारुल खिलाफा के अंदर फेंक दिया और क्या कहा कि उस्मान तुझ तक तो मैं पहुंच नहीं पाया, मैं तुझ तक पानी लेकर नहीं पहुंच पाया, तुझ तक ये अमामा पहुंचा रहा हूं, ये बूंद पे चख लेना और ये समझ लेना कि अली ने कोशिश की लेकिन अली तेर तुझ तक ना पहुंच पाया। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि उस्मान तुझ पर इतने दिन तक पानी बंद था, तुम्हारा क्या हाल गुजरता है, उस्मान तुम्हारा क्या हाल गुजरता है, तुम क्या करते हो जब प्यास लगती है? तो उस्मान ने क्या जवाब दिया, मुसलमानों जरा दिल के कानों सुनिए, उस्मान ने क्या जवाब दिया, दिल के कानों से सुनिए, दिल में अगर आग है तो दिल में आग को जलाइए, आंखों में आंसू है तो तड़प जाइए और मचल जाइए। उस्मान ने क्या जवाब दिया, उस्मान ने जवाब दिया कि जब मुझे प्यास लगती है मैं कुरान खोलता हूं, मैं कुरान खोलता हूं, कुरान पढ़ता जाता हूं, अल्लाह मेरी प्यास को बुझाता चला जाता है। अरे तकबीर, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह उस्मान की मोहब्बत का जर्रा हमें भी अता फरमा दे, अल्लाह उस्मान की मोहब्बत का जर्रा हमें भी अता फरमा दे, उस प्यार का जर्रा अल्लाह हमें भी अता फरमा दे। ये वसीला वाले माशाल्लाह यहाँ आकर बैठे सोसाइटी वाले, अल्लाह अल्लाह इनकी मोहब्बत जिस प्यार और जज्बे के साथ ये लोग आकर बैठे हैं, अल्लाह इनको इस मोहब्बत और प्यार और अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत और प्यार उनके खाते में लिख दीजिए। अल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह कितनी औरतों के बारे में सुना है कि माशाल्लाह यहाँ अच्छी खासी औरतें भी जमा होती है और यहाँ औरतें भी आती है, जो भी औरतें यहाँ जमा है अल्लाह ताला उनके आने को भी कबूल फरमा ले। ये महीना बहुत बाबरकत महीना है। इस्लामी साल की शुरुआत जो है ना, इस्लामी साल की शुरुआत हज़रत उस्मान हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अनु ने सहाबा को जमा किया। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अनु ने, अबू मूसा आशारी रजी अल्लाह ताला अनु ने उमर इब्न खत्ताब से खत में लिखा, कहा कि आपकी तरफ से जो खत जाता है उस खत के एतबार से हमने अक्सर बेशतर देखा कि उसमें कोई तारीख नहीं होती, तो तारीख लिखी जानी चाहिए और एक इस्लामी तारीख भी होनी चाहिए कि जहां भी खत पहुंचे तो पता चल जाए कि किस दिन यह खत पहुंचा है, किस तारीख को यह खत पहुंचा है। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने अकाबिर सहाबा को जमा किया और यह बात यह बतलाया कि अबू मूसा आशारी ने यह बात कही, सहाबा ने इसे बहुत पसंद किया और इस खत के बाद यह फैसला हुआ कि दिन मुतय्यन किया जाए, साल मुतय्यन किया जाए। तो किसी ने कहा कि नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, नबी अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए हैं
उन अवकाश से इस्लामी साल की शुरुआत की जाए, क्योंकि नबी जैसा कौन हो सकता है। नबी की आमद तो नबी की आमद है। नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से अगर शुरू किया जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, कहत आमिना रबी अल्लाह ताला अन्हा घर से बाहर जब निकलती थी तब बदन खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता था और पूरे इलाके में खुशबू फैल जाया करती थी। किसी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अनु से कहा, अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आपकी बहू खुशबू लगाकर निकलती है जबकि शोहर का इंतकाल हो गया, शोहर के इंतकाल पर खुशबू नहीं लगाना चाहिए। शोहर के इंतकाल पर खुशबू लगाया जाता है, खुशबू नहीं लगाना चाहिए। और शोहर का इंतकाल हुआ और खुशबू लगाकर निकलती है, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं घर जाकर इसके बारे में मालूम करता हूं। अब्दुल मुत्तलिब घर तशरीफ लाए, अहलिया से कहा कि हमारी बहू बहुत सी खुशबू लगाती है और घर से बाहर निकलती है। अहलिया ने कहा अच्छी बात है, पूछ लेते हैं। अमीना के पास आए और आकर कहा कि आप खुशबू इतना सारा लगाती है जबकि मालूम होना चाहिए कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, आपको खुशबू नहीं लगाना चाहिए, कुर्बान जाइए अमीना पर। अमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मिट्टी उठाया अब्दुल मुत्तलिब के और अपने सास के हवाले किया और कहा कि इसे पकड़िए और सूंघिए, और जैसे ही सूंघा तो उसमें भी खुशबू ही खुशबू आने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अमीना कहने लगी कि जब से पेट में यह बच्चा आया है क्या बतलाओ कि जहां मैं कदम रखती हूं वो भी खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता है। मैं जहां हाथ रखती हूं वो भी खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता है। लोगों, अगर हमारी जिंदगी भी प्यारे आका के मोहब्बत में झूमने लगे तो इंशाल्लाह हम भी मुअत्तर हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ लगा रुमाल अगर डाल दिया जाए भट्टी के अंदर तो रुमाल नहीं जलता, अगर हम सही माने में आशिक बन जाए तो जहन्नम की आग भी हमें जला नहीं सकती है। मैं तो एक बात कहा करता हूं, अक्सर बेशतर मोहब्बत के आलम में यह बात कहता हूं कि अगर एक मर्तबा भी नबी की मोहब्बत हमारे दिल में आ गई है ना, मुझे मेरे रब की जात से यकीन है कि इंशाल्लाह आग हमें इंशाल्लाह हाथ नहीं लगाएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आग हाथ नहीं लगाएगी। इंशाल्लाह आग भी कहेगी कि इसके दिल के अंदर एक मर्तबा नबी की मोहब्बत आई थी और इसका बदन झूम गया था नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का आलम तो क्या है, आलम यह था कि गार के अंदर नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सुराखों को बंद किया, अबू बकर सिद्दीक बैठे, होद में नबी अलैहिस्सलाम का सर है और एक गार का हिस्सा अबू बकर सिद्दीक ने अपने पैर से रोकने की कोशिश की कि कोई जहरीला जानवर ना आ जाए, इसलिए कि सारे हिस्से को तो बंद कर दिया था, कपड़े को फाड़ फाड़ के मोहब्बत का आलम था अबू बकर सिद्दीक का। और नबी अलैहिस्सलाम यूं आराम फरमा रहे, नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा आसमान की तरफ, अबू बकर सिद्दीक का चेहरा नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, क्योंकि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ऐसे आशिक ऐसे मजनू थे कि उनका चेहरा नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे से हटा नहीं करता था। यह अलग बात है कि हम मुसलमानों का हाल ये हो गया कि नबी अलैहिस्सलाम के इश्क से हम हट जाया करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के सुन्नतों से हम हट जाया करते हैं।
जितनी नबी अलैहिस्सलाम के सुन्नतों के इज्जत की धज्जियां और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को तोड़ते हम हैं, कोई और नहीं तोड़ता। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा थे, अबू बकर सिद्दीक नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे चेहरे को देख रहे थे। कितना प्यारा चेहरा होगा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, प्यारा चेहरा नबी अलैहिस्सलाम का देख रहे अबू बकर सिद्दीक, और नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा आसमान की तरफ। अचानक एक जहरीला जानवर आया, नबी अलैहिस्सलाम वो जहरीला जानवर आया अबू बकर सिद्दीक को काटने लगा, बर्दाश्त नहीं कर पाए, आंखों से आंसू निकल आए। सोचा कि अगर नबी अलैहिस्सलाम को उठाता हूं तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाएगी, उठाता हूं तो नबी को तकलीफ होती है, न उठाऊं तो जानवर काटता चला जा रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पाए। कहा कि नबी को तो ना उठाऊंगा, लेकिन चेहरा भी नबी अलैहिस्सलाम से कैसे हटा ले। अबू बकर थे ना, मोहब्बत का आलम कुछ और था। अबू बकर का चेहरा किस तरफ था? मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ। नियत करो इंशाल्लाह आज के, इंशाल्लाह हम नबी अलैहिस्सलाम के सीरत से इंशाल्लाह हम नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह जिस तरह अबू बकर ने गुलामी का सबूत दिया है, इंशाल्लाह हम भी गुलामी का सबूत इंशाल्लाह पेश करेंगे। इंशाल्लाह घर में बच्चों को कहेंगे नबी की मोहब्बत को इंशाल्लाह जिंदा करना है, बच्चों को कहेंगे कि बेटा नबी का आशिक बनना है। बच्चा सुबह उठकर कहे अब्बू अब्बू एक वाकया बतलाओ, तो बच्चा कहे, बाप कहे कि बतलाओ बेटे, कहा कहे बच्चा आगे बढ़कर कहे अब्बू मैंने आज रात को जब सोया ना, सुबह उठा तो मुझे नबी अलैहिस्सलाम की जियारत हो गई। बच्चा ये कहने पर मजबूर हो जाए। ऐसे बच्चों को आप लोग बनाए, ऐसे दीनदार बनाए। बच्चे आजकल के बच्चे कहाँ जा रहे हैं आप देखे, जरा अपने बच्चों की तरफ देखें, बच्चे किस तरफ निकल रहे हैं, जरा अपने बच्चों की जिंदगी की तरफ देखें। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक अबू बकर सिद्दीक, यू चेहरा नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, आंखों का आंसू का कतरा निकला, और कतरा निकलने के बाद नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चांद जैसे चेहरे के ऊपर गिरा। और जैसे ही चांद जैसे चेहरे पर नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जब गिरा, तो नबी अलैहिस्सलाम की आंख खुल गई, हो देखा अबू बकर के आंखों से आंसू जारी थे। पूछा अबू बकर क्यों रो रहे हो? तो कहा कि एक जहरीला जानवर है जो मुझे काट रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे मेरे आंखों से आंसू का कतरा निकल आया। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पैर लाइए, और पैर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक लगाया और अच्छा हो गया। यहां तक तो हमने सबने वाकया सुना है, लेकिन यहां पर एक बात अजीब बात लिखी है, लिखने वालों ने एक बात लिखी है, रिवायतों में ये बात भी मिलती है कि वो जानवर क्यों काट रहा था, वो जानवर क्यों अबू बकर सिद्दीक को काट रहा था। वो जानवर ये कह रहा था कि अबू बकर तू तो नबी अलैहिस्सलाम की जियारत कर रहा है, तो अपना पैर तो हटा, मुझे भी नबी अलैहिस्सलाम की जियारत करनी है, तो अपना पैर हटा, मुझे भी नबी अलैहिस्सलाम की जियारत करनी है। जानवर भी नबी अलैहिस्सलाम पर मोहब्बत सबूत पेश करे। नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, दरख्त तो दूर से आया, और आने के बाद नबी अलैहिस्सलाम की जियारत की, और जियारत करने के बाद निकल गया। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मोहब्बत, क्या प्यार। पत्थर उठे सलाम पेश कर दे मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आज हमारा हाल है कि हम सुबह उठे तो हमें दुआ याद नहीं रहती है। आज हमारा हाल यह है कि मस्जिद में दाखिल हो तो दुआ याद नहीं रहती है, मोहम्मद याद नहीं रहता है, मोहम्मद का इश्क याद नहीं रहता है, मोहम्मद का प्यार याद नहीं रहता है। तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तो विलादत थी, नबी अलैहिस्सलाम की विलादत पर अगर इस्लामी साल की शुरुआत हो तो कितनी बाबरकत बात है। तो उमर इब्ने खत्ताब के सामने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने यह वाकया भी पेश किया कि विलादत बासआदत बहुत बड़ी बात है, तो विलादत बासआदत से साल की शुरुआत की जाए। बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने कहा कि नबूवत से साल की शुरुआत की जाए, कि नबूवत नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिली थी उससे साल की शुरुआत की जाए। बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने कहा कि हिजरत से साल की शुरुआत की जाए, बाज ने कहा कि वफातुन नबी से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साल की शुरुआत की जाए। लेकिन मसला यह है कि विलादत बासआदत की तारीख अलग अलग है, रिवायतों में अलग अलग आती है, और नबूवत की तारीख में भी कुछ रिवायत अलग अलग है। तो इस पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने कहा कि इस्लामी साल की शुरुआत अगर इन दो से शुरू किया जाए तो इख्तलाफ रहेगा हर वक्त।
तो इसलिए इसके अलावा और वफातुन नबी जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला यह है कि सारे उम्मत मुस्लिमा के लिए गम का आलम है और गम के आलम से शुरू करना यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए यह कहा गया कि वफातुन नबी जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साल की शुरुआत ना हो बल्कि हिजरत से। हिजरत इसलिए कि हिजरत सिर्फ नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा इस्लाम के एक एक नुमाइंदे एक एक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम जिन्होंने कुर्बानियां पेश की थी, हजारों उन पर मसाइल आए थे, हजारों मुसीबतें आई थी, उन पर कुर्बानियां उन्होंने पेश की थी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कहा कि अब हिजरत करिए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम ने जब हिजरत की उनकी कुर्बानियों के बलबूते पर अल्लाह ने हिजरत के लिए कहा था तो कहा कि हिजरत से साल की शुरुआत की जाए ताकि उम्मत मुस्लिमा को पैगाम मिल जाए कि कुर्बानियों से काम होता है, बगैर कुर्बानी से कोई काम नहीं हुआ करता है। साल का इख्तिताम कुर्बानी पर, साल की शुरुआत भी कुर्बानी। कहते हैं ना कि दुआ करें, दुआ की शुरुआत में दुरूद पढ़ें और दुआ के अखीर में दुरूद पढ़ें तो दरमियान में जो मांगा जाएगा अल्लाह ताला सब कबूल कर लेगा। उलमा ने यहां भी एक नुक्ता लिखा है कि साल की शुरुआत में कुर्बानी, साल के आखिर में कुर्बानी देकर यह बतला दिया कि उम्मत मुस्लिमा इसी तरह कुर्बानी पेश करेगी तो अल्लाह ताला इसी तरह उन्हें कबूल कर लेगा। इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो सलाम ने जबरदस्त कुर्बानी पेश की और इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो सलाम की कुर्बानी उम्मत मुस्लिमा के सामने पेश कर दिया गया और यही कुर्बानी पेश कर दी गई। कहां कुर्बानी पेश की गई? मुहर्रम के महीने में कुर्बानी, हिजरत के साल से बतलाया कि किस तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम ने कुर्बानी पेश की। बिलाल को तपती रेत पर लिटाया, अहद अहद कहा, सुमैया को लटका दिया गया और बीच में से चीर दिया गया, ज़िन्निरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जबरदस्त तकलीफें दी यहां तक कि आग की रोशनाई चली गई। अल्लाह से दुआ मांगी ज़िन्निरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। अबू जहल और सारे लोगों ने ज़िन्निरा के बारे में कहते हैं कि ज़िन्निरा की बहुत सताने लगे और ज़िन्निरा के मजाक उड़ाने लगे कि अब तेरा माबूद कहां चला गया, अब तू तेरे माबूद से मांग कर बतला। तो ज़िन्निरा रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह जितनी मुसीबत थी सारी मुसीबतें मैंने बर्दाश्त की, जितनी तकलीफ थी सारी तकलीफें बर्दाश्त की, अब ये लोग कहते हैं कि तेरी आंख की रोशनी चली गई, अब तू तेरे माबूद को पुकार के देख पता चलेगा कि तेरा माबूद तेरी आंख देता है कि नहीं देता है। कि अल्लाह अब मैं तुझसे मांगती हूं कि तू ही आंख देने वाली जात है, अगर तू आंख लौटा दे तो तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। बस ये दुआ मांगना था कि अल्लाह ने आंख लौटा दी ज़िन्निरा रज़ी अल्लाह तआला। हजारों हमारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन और सहाबिया ने कुर्बानी पेश की। उस कुर्बानियों के बाद और ये जो इस्लामी साल की शुरुआत जो बतलाती है तो कुर्बानियों का पैगाम देती है और उम्मत मुस्लिमा को यह पैगाम देती है कि जब तक कुर्बानी नहीं पेश करोगे तब तक हमारी जिंदगी के अंदर बेहतरीन नहज नहीं आ सकता। इसलिए नियत करें इस बात की कि इंशाल्लाह हम कुर्बानियां पेश करेंगे। कुर्बानी किस बात की पेश करेंगे? गुनाहों से बचने की कुर्बानी पेश करेंगे इंशाल्लाह। आंखों से गुनाह नहीं करेंगे, इसके लिए हजारों कुर्बानी देनी पड़ेगी। कान से गुनाह नहीं करेंगे, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। जबान से गुनाह नहीं करेंगे, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप कहेंगे कि यह क्या कुर्बानी है भाई? कुर्बानी यह है कि इंसान ये कि एक मर्तबा तो बचता है, दो मर्तबा बचता है, फिर सोचता है कि अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है, बाद में चलकर गुनाहों से बचेंगे, और कब दुनिया से चला गया कुछ पता नहीं है। इससे पहले कि नियत ये करे कि हम कुर्बानी देंगे, तो कुर्बानी देने का मतलब यह है कि इंसान बचने की कोशिश करेगा। लोग गुनाहों में पड़े होगा, लोग गुनाहों में पड़े होंगे, लोग गुनाहों में होंगे, उस वक्त इंसान ये होगा, ये कुर्बानी देने के अंदर इसकी जिंदगी वो जिंदगी होगी कि वो सोचेगा कि मैं गुनाहों में नहीं पड़ूंगा, मैं आंखों को गुनाहों में नहीं, मैं जबान को गुनाहों में नहीं, मैं कान को गुनाहों में नहीं, हाथ और पैर को गुनाहों में नहीं, अपनी जिंदगी को गुनाहों में नहीं डालूंगा, अपने आप को गुनाहों से बचाऊंगा। जब गुनाहों से बचाऊंगा तो अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह ये कुर्बानियों के बिना पर अल्लाह ताला हमें कल क़यामत के दिन बहुत कुछ देगा इंशाल्लाह।
इन कुर्बानियों के बिना पर अल्लाह ताला बहुत कुछ देगा। यह महीना बहुत बाबरकत महीना है। इन महीने के अंदर बहुत से हजरत इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलाम को आग से निकाला गया। इसी महीने के अंदर इसी यौम अरफा के मौके पर यह अभी 10 जिलहज्जा के बाद 10 मुहर्रम का महीना आएगा, 10 मुहर्रम का दिन आएगा। इसी 10 मुहर्रम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलाम को आग से निकाला था। कई अंबिया को अल्लाह ताला ने इनको महफूज किया था इन्हीं वजह से इन्हीं महीने के अंदर और इन्हीं अय्याम के अंदर। तो हमें भी चाहिए कि इन अय्याम की कद्र करें और इन अय्याम को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हम अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें, अपने आप को गुनाहों से मुकम्मल हिफाजत करने की कोशिश करें। जितना हम अपने आप को गुनाहों से बचाओगे, गुनाहों से अपने आप को निकालोगे और गुनाहों के अंदर गुनाहों से अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करोगे, अल्लाह हमें इंशाल्लाह कामयाबी इंशाल्लाह अता फरमाएगा। इंशाल्लाह जिंदगी बहुत कीमती है। जिंदगी, इस जिंदगी के बारे में हमें गौर व फिक्र करना है, हमें सोचना है कि इस जिंदगी के बारे में हमें करना क्या है। वरना जिंदगी तो गुजर रही है, जिंदगी तो निकल रही है, लेकिन अगर यही जिंदगी गुनाहों में निकल गई और यही जिंदगी गफलत में निकल गई और अल्लाह के पास अगर हम चले गए और अल्लाह के पास हम इस जिंदगी के बारे में जवाब नहीं दे सकते, तो याद रखो ये हमारे लिए कामयाबी नहीं है, ये हमारे लिए कामयाबी नहीं है। एक एक पल का हमें हिसाब करना होगा, एक एक पल के बारे में हमें गौर व फिक्र करना होगा, जिंदगी के एक एक अय्याम के बारे में गौर व फिक्र करना होगा कि हम जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, इस जमीन पर चल रहे हैं, हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है। एक एक पल के बारे में हिसाब करना होगा। अगर हम हिसाब करेंगे तो हम कामयाब हैं, अगर हिसाब नहीं करते तो हम नाकाम हैं। इस जिंदगी के बारे में हमें गौर व फिक्र करना है कि हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, कामयाबी की तरफ जिंदगी जा रही है कि नाकामी की तरफ जिंदगी जा रही है। इस जिंदगी के बारे में बातें निकली है। मुफ्ती सोहेल साहब का भी कहना था कि कुछ वाकया हमारे एक साथ चलते हैं, हमारे सलमान साहब, इनके बारे में कुछ बातें जो बहुत अजीब बात है, अजीब वाकया है, मैं आपके सामने वो बात भी नकल करूं ताकि आपके दिल में जज्बा पैदा हो, आपके दिल में कुड़न पैदा हो कि जिंदगी कैसी जिंदगी होती है, जिंदगी बनानी होती तो कैसी जिंदगी बनानी चाहिए, हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी हमारे अंदर गौर फिक्र होना चाहिए। मेरी तबीयत तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन यह है कि आपकी मोहब्बत में मैं आ गया हूं। तबीयत ऐसी थी कि मैं आपके सामने भी आंख गोली और सुबह से कल दो दिन से मुस्तकिल में गोली पर ही चल रहा हूं और दवाई पर दवा पी रहा हूं। मैंने मुफ्ती साहब से कहा कि मुस्तकिल में ये आंखों का भी ड्रॉप डाल रहा हूं और मेरे गले के अंदर इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन के अंदर भी मैं गोली और मुस्तकिल, हमारे डॉक्टर ने हमें कहा कि इस इन्फेक्शन के आपको मुस्तकिल इलाज करना होगा, मुस्तकिल इन्फेक्शन है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा ही दिल जानता है कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे मोहब्बत से बातें कर रहा हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह जो बातें मैं कह रहा हूं अल्लाह ताला उस बात को अल्लाह कबूल फरमाए और हर बात पर हमें सही नहज के साथ हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। बात दरअसल ये है कि हमारे ये सलमान साहब है जो मेरे साथ चलते हैं अक्सर बेशतर, इन पर बहुत सारा जुल्म हुआ। इन पर जुल्म क्या हुआ, कि एक मर्तबा ये जमात के काम के बाद निकल रहे थे, इलाके से जा रहे थे, गुफ्तगू के दरमियान कुछ पुलिस वालों ने यह समझा कि ये हमारा वीडियो निकाल रहे होंगे, तो उन्हें पकड़ लिया और पकड़ के उन्हें जेल में डाल दिया। उन पर सख्त जुल्म किया गया, सख्त यानी सख्त जुल्म किया गया, सख्त मारा गया, सख्त तकलीफ दी गई, खूब मारा गया, खूब तकलीफें दी गई, इतना टॉर्चर किया कि यहां तक के उन्हें कहा गया कि आप जय श्री राम कहिए। इन्होंने
इन अल्फाज के बजाय फौरन अल्लाह अकबर का नारा लगाना शुरू किया। ये कब होता है? जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो। ये कब होता है? जब दिल में अल्लाह का प्यार हो। मैं अक्सर कहा करता हूं कि बच्चों को अच्छी तालीम दो, बच्चों को अच्छा निसाब सिखाओ, अच्छा माहौल दो, अच्छी तरबियत दो, कल ये कोई भी हालात आए इंशाल्लाह ये अल्लाह को कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। कोई भी हालात आए नबी अलैहिस्सलाम को जरूर वो याद रखेंगे, नबी अलैहिस्सलाम के इश्क व मस्ती में जिंदगी गुजारेंगे। ये नाबालिग थे उस वक्त, हमारे हजरत के पास जब पहुंचे मौलाना खलील रहमान सज्जाद नौमानी के पास, उस वक्त उनकी दाढ़ी भी नहीं थी। सख्त तकलीफ दी गई, यहां तक कि उनके सुरीन के पखाने के रस्ते पर मिसवाक लेकर कहा कि इससे आप क्या करते हैं, तो कहा कि मैं इससे मिसवाक करता हूं, नबी की सुन्नत को जिंदा करता हूं। तो उनके पखाने के रास्ते पर डाला गया और कहा कि इससे तुम सुन्नत जिंदा करते हो, और उनके पेशाब के नाली पर करंट छोड़ा गया, करंट छोड़ा गया, और कहा कि तुम अब ये कहिए, जो मूर्ति लगाई गई थी उसके बारे में कहा कि इसकी तरफ आप देखें और इसके तरफ जय श्री राम कहिए, ये कहिए, वो कहिए। इन्होंने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहते रहे। उन पर सख्त तकलीफें दी गई, यहां तक कि उनके एड़ी पर मारा गया, खूब मारा गया, खूब पीटा गया, अधमरे हो गए, बेहोश हो गए। हालत जब बिगड़ गई, उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। जब हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, डॉक्टरों ने देखा, इनकी हालत को देखा, चार अफराद इनको उठाकर इस्तिंजा के लिए बाथरूम के लिए ले जाते थे और बेड पे लाके सुलाते थे। यह हालत उनकी हो गई थी। एक मरतबा सुबह में खुद ब खुद चलने लगे, डॉक्टर परेशान, सारे अहबाब परेशान, कहने लगे कि अभी तक तो आप चल नहीं सकते थे, चार अफराद के सहारे तो आप चल के जाया करते थे, अब आप बगैर सहारे चल रहे हैं। तो कहा कि क्या बतलाऊं, रात को मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में मेरे आका इनामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे बदन मुबारक, मेरे बदन के ऊपर हाथ फेरा, हाथ फेरने की वजह से मैं सुबह उठाऊं तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों लोगों, आज भी अगर इंसान सही माने में नबी अलैहिस्सलाम का आशिक बन जाए, नबी अलैहिस्सलाम का दीवाना और मस्ताना बन जाए, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में झूमने लगे, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे लिए तड़प जाते हैं। ये हजरत वाला के पास आए, हजरत वाला को कहा, वाकया बतलाया, तो हजरत वाला हमारे हजरत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नौमानी दो पैर दो जानू बैठ गए, दो जानू बैठकर पूरे वाकये को सुना और कहा कि बेटा मैं तेरे केस को इंशाल्लाह लड़ूंगा, जगह जगह जाके लड़ूंगा। और हजरत वाला ने इनके केस को लड़ा। तो अपनी जिंदगी को नियत करो कि इंशाल्लाह हम भी अपनी जिंदगी को बनाएंगे और हम अपने नस्लों के इंशाल्लाह फिक्र करेंगे, इंशाल्लाह हम अपने बच्चों के इंशाल्लाह फिक्र करेंगे, इन बच्चों को बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनके आंखों को देखते हैं तो पता चलता है कि इनके आंखों के आंसू बतलाते हैं कि इनका दिल है जो बहुत नरम है लेकिन इन्हें कोई वाकयात बतलाने वाला नहीं है, इनका दिल है बहुत प्यारा है लेकिन इन्हें कोई बतलाने वाला नहीं है। अगर सही माने में मोहब्बत के साथ इन्हें कोई बतलाए ना तो ये तड़प जाया करते हैं, ये मचल जाया करते हैं, इनकी जिंदगी बहुत प्यारी होती है, ये अपने आप को बदलने की नीयत करते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि अपनी जिंदगी को इतनी प्यारी जिंदगी बना लेते हैं। मैं अक्सर ये वाकया सुनाता हूं, कई जगह मैंने वाकया सुना है, मौलाना खलील रहमान सज्जाद नौमानी का मुफ्ती सोहेल मुझे अक्सर कहते हैं कि वाकया सुना दिया करो, मैं अक्सर ये वाकया सुनाता हूं और ये वाकया मैं यहां भी नकल कर देता हूं कि हजरत वाला जब वहां पहुंचे कचबूज की तरफ रिलीफ तकसीम करने के लिए, जब रिलीफ तकसीम करने के लिए जब वहां पहुंचे
तो देखा कि आरएसएस के कुछ लोग वहां पहुंचे हुए, पहले से रिलीफ तकसीम कर रहे थे। हजरत वाला दूर खड़े होकर देखने लगे कि वो लोग करते क्या है, तो देखा कि कुछ अहबाब ऐसे हैं कि रिलीफ तकसीम कर रहे थे और कुछ कह रहे थे और सामान दे रहे थे। तो देखा कि एक बच्चा आया और बच्चा स्टेज पर चढ़ा, जैसे स्टेज पर चढ़ा इन रिलीफ तकसीम करने वालों ने उनके कान में कुछ कहा, बच्चे ने जैसा सुना ऐसा लगा कि उसके 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 बदन के ऊपर कोई करंट छोड़ा हो। वो एक चीख उसने लगाई और चीख लगाकर अल्लाह अकबर कहता हुआ दौड़ा स्टेज पर से। जब वो स्टेज पर से दौड़ा तो हजरत वाला ने कहा कि इसके पीछे जाए कि बच्चे को देखते बच्चा जाता कहां है। बहुत दूर के बाद वो जंगल में कूदा तो बच्चे के पास जंगल में गए और बच्चे को पकड़ा और बच्चे से पूछा कि बेटे क्यों भागे हो, तो उसने कहा कि मैं क्या बतलाऊं क्या बतलाऊं, जैसे मैं स्टेज पर चढ़ाऊं। स्टेज पर चढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि ये अल्फाज कह दो, उन्होंने कोई खास अल्फाज कहा जो उनके अल्फाज थे, उनके अल्फाज के बारे में कहा कि ये अल्फाज कह दो। जो वो अल्फाज जब कहने के लिए कहा तो मुझे याद आया इसलिए कि मेरी माँ दुनिया में नहीं है, मेरा बाप दुनिया में नहीं है, मैंने मेरी माँ जलजले के अंदर जब जलजला आया था तो उसी जलजले के अंदर पत्थर के नीचे मेरी माँ भी दबी हुई थी, पत्थर के नीचे मेरा बाप भी दबा हुआ था, वो भी दुनिया से जा चुका था, बाप भी दुनिया से जा चुका था, माँ भी दुनिया से जा चुकी थी। मैंने जब आंख खोला मैंने देखा मेरी माँ को, मेरी माँ मुर्दा पड़ी हुई थी, मैंने मेरे बाप को देखा मेरी माँ मुर्दा पड़ी हुई थी, और मेरी माँ के वो अल्फाज मेरी माँ के वो आवाज याद आ रही थी कि मुझे मेरी माँ ने कहा था कि बेटा किसी और का नाम लेना, किसी और का नाम ना लेना, गैरुल्लाह का नाम ना लेना। बस वो बात मुझे याद आई जैसे ही मैं स्टेज पर चढ़ा। कई दिन गुजर गए, मेरे पेट में खाना नहीं गया, मेरे पेट में रोटी नहीं गई, मेरे पेट में अभी तक पानी नहीं गया, मैं भूखा था। मैं स्टेज पर चढ़ा, मुझे खुशी हुई कि मुझे खाना मिलेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि गैरुल्लाह का नाम लेने के लिए कहा कि ये नाम लीजिए तो हम तुझे खाना देंगे, तो मैंने कहा मैं भूखा तो रह सकता हूं लेकिन मैं इस चीज को कभी नहीं लूंगा, मैं अल्लाह का नाम, मैं गैर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम कभी नहीं ले सकता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। इन बच्चों को सही तालीम दो लोगों, मुसलमानों सही तालीम दो, कल कयामत के दिन अल्लाह के पास हम क्या जवाब देंगे, कल कयामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम होंगे, कल कयामत के दिन अल्लाह के पास खड़े होंगे। अल्लाह ने अगर हमसे सवाल पूछ लिया हम अल्लाह के सामने कोई जवाब दे सकते? ये बच्चे कल कयामत के दिन मां बाप का गिरेबान पकड़कर पूछेंगे, अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह हम सही बनना चाहते थे लेकिन मां बाप ने हमारी सही तरबियत नहीं की। भाई बहुत हो गया, तबीयत भी साथ नहीं दे रही, बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। बहुत लंबी बातें होगी, मैं तो बहुत कम बात करने वाला आदमी नहीं हूँ, डेढ़ दो घंटा तो बोलता ही हूँ, लेकिन आज तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही, गला भी काम नहीं कर रहा। बस दुआ करें आप मेरे लिए भी खास कि आप अल्लाह ताला मुझे भी सही काम करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने वाला ज़्यादा हकदार है, मैं अक्सर कहा करता हूँ, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल, जब तुलेंगे अमल सबके मीजान पर, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है। मैं हकीकत में अमामा अच्छा सा पहन लूं, कुर्ता अच्छा लगा लूं, मैं समझ लूं कि मैं बहुत नेक हूं, हकीकत तो वहां खुल जाएगी मैं कितना नेक हूं। मेरा के मेरे कहने से कुछ नहीं होता, बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इनसे ज़्यादा मोहताज मैं हूं, अल्लाह पहले मुझे माफ़ कर दे, मेरी ज़िंदगी को नेक बना दे, मुझे भी मुत्तकी और परहेजगार बना दे, हम सबको भी नेक बना ले। इंशाल्लाह हम थोड़ी देर जिक्र करेंगे, जिक्र के बाद इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। जिक्र अल्लाह का नाम लिया जाता है और अल्लाह का नाम हमें तो कसरत से लेना चाहिए, नीयत करो कि इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेते रहेंगे, इंशाल्लाह चलते फिरते इंशाल्लाह नाम होगा तो किसका नाम होगा, मेरे रब का नाम होगा, घूमते फिरते नाम होगा तो किसका नाम होगा, मेरे रब का नाम होगा, घरों में और मकानों में नाम लिया जाएगा तो किसका नाम लिया जाएगा, अल्लाह का नाम लिया जाएगा। जिस जगह अल्लाह का नाम लिया जाता है अल्लाह को जगह बहुत पसंद आती है, इसलिए
दो जानू होकर बैठ सके तो बैठे, दो जानू अगर ना बैठ सके तो आप आलती पालती यानी पलाठी मारकर भी बैठ सकते हैं। और बड़ी मोहब्बत के साथ ये सोचे कि गुनाह करने में हमें शर्म नहीं आती है तो अल्लाह का नाम लेने में हम क्यों शर्माएं। इंशाल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह का नाम लेंगे, दिल के साथ हम अल्लाह का नाम लेंगे इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illallah, 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 Allahu Allah, 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 Allahu Allah। माँ जिस तरह बच्चे को पुकारती, बच्चा जिस तरह माँ को पुकारता है, कहता माँ माँ, हमें इसी तरह अल्लाह को पुकारना। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूबु इलैह। अपने सर को झुकाए रखे और अपने दिल की तरफ मुतवज्जे होकर देखे कि दिल कितना गंदा हमारा पड़ा है, हमने कितने गुनाह किए हैं। इस धरती पर रहे हमने अल्लाह को बहुत नाराज़ किया। ए इंसान, तू कहाँ जा रहा है? ए इंसान, तुझे क्या हो गया? कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा इंसान? तुझे क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना है क्या? क्या तुझे तेरे रब के पास हाजिर नहीं होना क्या? क्या तुझे अल्लाह के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना है क्या? क्या अल्लाह के पास जाना नहीं क्या? अल्लाह के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना है क्या? कल क़यामत के दिन क्या होगा? कल क़यामत के दिन अल्लाह सामने हाजिर होगा और अल्लाह पूछेगा, बंदा अपना हिसाब दे। हमारे पास हिसाब देने के लिए कुछ नहीं होगा, सब नफसी नफसी के आलम में होंगे। कोई जाएगा इब्राहिम के पास, कोई जाएगा नूह के पास, कोई जाएगा किसके पास, और सारे अंबिया के पास जाकर सारे अंबिया कहेंगे, हम नहीं जाएंगे अल्लाह के पास। सारी उम्मत आएगी, महबूबे दो जहां, प्यारे आका, जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे कि हम उम्मत ही आए हैं आपके, हम उम्मत ही आए हैं। एक नज़र मोहम्मद अरबी सजदे में गिर जाएंगे, मेरा आका सजदे में गिर जाएगा, हफ्ता हफ्ता रोएगा, उम्मती उम्मती, मेरा रब कहेगा, मोहम्मद अपना सर उठा, मांग तो सही, मांग सही। मुसलमान, आज तू कहाँ जा रहा है? तेरा नबी वहां तड़पेगा, लेकिन आज तुझे ख्याल नहीं है नबी के बारे में। आज अपने गिरबान में झांक कर देखे कि आंखें कितनी गंदी हमने की है। आज अपने गिरबान में झांक कर देखे कि जबान ठीक से कितनी लफाजी की है। आज अपने कान की तरफ देखे कि इस कान से कितनी अय्याशी की है। ए इंसान, क्या तुझे कोई पूछने वाला नहीं है? ए इंसान, क्या तुझे कोई पूछने वाला नहीं है? क्या तुझे किसी को जवाब नहीं देना है? इस जमीन पर तू कब तक तमाशा करता रहेगा? इस जमीन पर तू कब तक घूमता रहेगा? क्या तुझे हिसाब देना नहीं? हर इंसान अपने गिरबान में झांक कर देखे, आईने में चेहरा देखे तो चेहरे के सारे दाग खुल जाया करते हैं। इंसान अपने गिरेबान में झांक कर देखे तो उसके सारे दाग उसे सामने नजर आ जाएंगे। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो। ये जिंदगी एक मोहलत है, रूठे हुए रब को मना लो। ये जिंदगी एक मोहलत है, रूठे हुए रब को मना लो। हकीकी माने में जिंदगी मोहलत है, अल्लाह ने हमें मोहलत के तौर पर दी है, रूठे हुए रब को हमें मना लेना है। ये जिंदगी एक मोहलत है, रूठे हुए रब को मना लो। अल्लाह से गफलत कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी, अल्लाह से गफलत कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी, हर गैर से हट कट के अल्लाह से लौ लगा लो। अल्लाह को अपना बना लो,
अल्लाह को दिल में बसा लो। अल्लाह 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 अल्लाह। हाथों को उठा ले, अल्लाह से आज गिड़गिड़ा कर अपना दुख रख दे अल्लाह के सामने। सारे अफराद आज अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, रोना ना आए तो रोने वाली आवाज बना ले और अल्लाह के सामने रोने वाली अदा बना ले। अल्लाह को रोने वाली अदा भी बहुत पसंद आती है, गिड़गिड़ाने वाला बंदा अल्लाह को बहुत पसंद आता है। बच्चा जब माँ के सामने चेहरा बनाकर खाली बना, माँ अपने चेहरे को बनाकर अपने माँ से जब मांगता है तो माँ को भी उस बच्चे से प्यार आ जाता है, तो अल्लाह को क्यों नहीं प्यार आएगा। सुभान रब्बिल अली अल वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आली सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लम, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, हम बड़े गुनहगार हैं, बड़े खतावार हैं मौला। ये पूरा मजमा वसीला सोसाइटी आज आकर बैठा है मौला, मौला आज आपको मनाने आए हैं मौला। मौला कोई मक्कारी नहीं है मौला, कोई मौला इल्ला हाँक ताक नहीं है मौला, कोई बड़क बोल नहीं है मौला, न बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं मौला। मौला 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 सच्चे पक्के दिल से आए मौला, सच्चे दिल से आपको मनाने आए हैं मौला। बहुत गुनाह किए मौला, बहुत गुनाह किए मौला। बच्चा माँ को मनाता है तो माँ मान जाया करती है मौला। बच्चा अगर माँ के कदमों को पकड़ता है तो माँ भी उसे प्यार करने लगती है मौला। यहाँ तक कि बच्चा मौला माँ को अगर सताए ना और माँ अगर नाराज़ हो जाए, बच्चे को घर से धक्का मार के निकाल भी दे, लेकिन फिर भी माँ से अगर बच्चा माफ़ी मांगता है तो माँ माफ़ कर दिया करती है। आप तो 70 माओं से ज़्यादा रहम खाने वाले हैं मौला। हम आपके अल्लाह आपके दरबार में आके गिर गए मौला, आज आपसे सच्चे पक्के दिल से माफ़ी मांगने आए मौला। ओ प्यारे अल्लाह, एक नज़र इस मजमे की तरफ देख ले मौला, ये मजमा रो रहा है मौला, ये मजमा तड़प रहा है मौला, इन मजमे के आँखों के अंदर आंसू है मौला। ये मजमा मौला आपसे दर्द दिल से माफ़ी मांग रहा है मौला। मौला इन्हें कुछ नहीं चाहिए मौला, ये आपको लेने आए हैं मौला, ये माफ़ी मांगने आए हैं मौला। मौला आप नज़र नहीं आ रहे मौला, नमाज पढ़ते हैं दिल खाली नज़र आता है मौला, अल्लाह कुरान पढ़ते हैं आपकी मोहब्बत नहीं मिलती है मौला। अल्लाह अल्लाह नमाज पढ़ते हैं नमाज सुनी सुनी नजर आती है मौला, कुरान खुलता है मौला आप नहीं नजर आते है मौला। क्या गुनाह हम कर बैठे है मौला, आंखें गुनाह में डूबी कुरान में लुत्फ नहीं मिल रहा, कान गुनाह में डूबे कुरान में लुत्फ नहीं मिलता है, जबान गुनाह में डूबा कुरान में लुत्फ नहीं मिलता है मौला, हाथ गुनाह में डूबा पैर गुनाह में डूबा कुरान में लुत्फ नहीं मिलता है मौला। अल्लाह जी ओ प्यारे प्यारे अल्लाह, ओ सुनेरे सुनेरे रब, अल्लाह एक निगाह इस मजमे की तरफ डाल दे मौला। इसमें छोटे छोटे नन्ने मुन्ने बच्चे भी बैठे हैं मौला, वो बच्चे भी आपको मना रहे हैं मौला, इनके भी आंखों में आंसू होंगे मौला, ये भी तो तड़प रहे मौला, ये भी तो मचल रहे मौला। अल्लाह आज हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं मौला। अल्लाह एक अल्लाह एक बच्चा काला कलोटा बच्चा मौला, आंखों से अंधा मौला, गोद में रहने वाला बच्चा मौला फिसलता फिसलता नाली में जाके गिर गया, कीचड़ में जाके गिर गया। माँ शादी में जाने के लिए तैयारी कर रही थी, बेहतरीन कपड़ा पहना था, देखा वो बच्चा ऊह करने लगा, कोई उसके नाली से उठाने के लिए तैयार नहीं था। माँ ने अपने कपड़े की परवाह नहीं की, दौड़ कर गई और जाकर उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया, ये भी नहीं देखा कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। उस बच्चे ने ऊह किया तो माँ दौड़ पड़ी, और यहाँ तक के उसके होंठ अपने होंठ पर उसने लाली लगाए हुए थी, लेकिन उस लाली की भी परवाह नहीं की, और उस बच्चे का गाल कीचड़ में गिरने की वजह से गंदा हो चुका था, नाली में गिरने की वजह से उसका गाल गंदा हो चुका था। माँ ने अपने होंठ की परवाह नहीं की और अपने होंठ को बच्चे के गाल पर रखकर चूमने और चाटने लगी और कहने लगी, बेटा ओ मेरा लाल, ओ मेरा दिल का टुकड़ा, ओ मेरा दिल का कलेजा, तू गिर गया था बेटा, बेटा बेटा कुछ का तकलीफ तो नहीं पहुंची। उसे जल्दी जल्दी जाकर नहलाया धुलाया, बेहतरीन काजल लगाया, बेहतरीन पाउडर लगाया, इतना खूबसूरत किया कि लोग उठाने के लिए उसे तैयार हो गए। अल्लाह अल्लाह हम भी नाले में गिर चुके हैं मौला।
वाला हम भी नाले में गिर चुके हैं माला मला, आप ही ने तो कहा कि मैं तो 70 माओ से ज्यादा राम खाने वाला हूं। आप ही ने तो कहा मैं 70 माओ से ज्यादा राम खाने वाला। मां ने अपने कपड़े की परवानी के बच्चे को उठा लिया माला। अल्लाह अल्लाह मला, आप भी हमें उठा लीजिए मला, मला आप हमें उठा लीजिए मला, अल्लाह हमें नहला दीजिए, गुसल दे दीजिए मला, अल्लाह तौबा के पानी से मला, गुस्ल तौबा दे दीजिए मला, अल्लाह आंखों में अल्लाह हया का सुरमा लगा दीजिए मला, अल्लाह हमें बेहतरीन तैयार कर दीजिए मला, कि लोग हमें उठाने के लिए तैयार हो जाए मला, लोग हमें धक्के मार के फेंक रहे मला, कोई हमें उठाने के लिए तैयार नहीं मला, कोई यहां से धक्के मार रहा, कोई वहां से धक्के मार रहा, ए अल्लाह रहम और करम का मामला फरमा दीजिए मौला, ये पूरा मजमा बैठा है मौला, सबको कबूल फरमा ले मौला, सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हम सबको नेक बना, मुत्तकी और परहेजगार बना, औरतें भी बैठी हैं, अल्लाह उन औरतों को भी कबूल फरमा लीजिए, उन औरतों को नेक बना, तकिया नकिया परहेजगार बना, सुन्नत शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा, जिंदगी को प्यारी जिंदगी बना दीजिए, जिंदगी को अच्छी जिंदगी बना दीजिए, प्यारी जिंदगी बना दीजिए, अल्लाह इश्क रसूल में चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए, आशिक रसूल और दीवाना रसूल बना दीजिए, अल्लाह सुन्नत शरीयत पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा दीजिए, कुरान का आशिक बना, कुरान का दीवाना बना, मस्ताना बना, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए। प्यार अल्लाह एक दुआ और मांग रहे मौला, अल्लाह अल्लाह अभी अल्लाह महर अल्लाह जिलहज का महीना था मौला, बहुत से लोग काबतुल्लाह की तरफ गए मौला, बहुत से लोग मौला बेहतरीन वो प्यारा प्यारा घर या अल्लाह, कितनी प्यारी आँखें होगी जो काबतुल्लाह को देखती होगी मौला, वो कितने प्यारे होंठ होंगे जो काबतुल्लाह को चूमते होंगे मौला, अल्लाह वो हाथ कितने प्यारे हाथ होंगे जो काबतुल्लाह से चिमट गए होंगे मौला, या अल्लाह वो पैर कितने प्यारे पैर होंगे जो काबतुल्लाह की धरती पर पड़े होंगे मौला, अल्लाह वो अपनी प्यारी प्यारी आँखों से काबतुल्लाह को देखते होंगे मौला, अल्लाह वो दिन कब आएंगे कि हम भी काबतुल्लाह को अपनी आँखों से देखें मौला, अल्लाह वो दिन कब आएंगे इन आँखों से हम भी काबतुल्लाह को देखें मौला, अल्लाह वो दिन कब आएंगे कि काबतुल्लाह को पकड़ के हम भी लिपट जाए मौला, हम भी काबतुल्लाह को देखना चाहते वाला, वहां पहुंचना चाहते वाला, अल्लाह हमें कहला वहां जियारत फरमा दीजिए वाला, या अल्लाह जो गए हैं उन्हें बार बार जाने की तौफीक अता फरमा दीजिए वाला, मदीना मुनव्वरा पहुंचा दीजिए, नबी अलैहि सलातो सलाम पर सलातो सलाम पेश करने की अल्लाह करीब पहुंचकर सलातो सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमा दीजिए वाला, अल्लाह हमें कबूल फरमा लीजिए, जो भी यहाँ बैठा है सबको कबूल फरमा ले, सबको नेक बना, मुत्तकी और परहेजगार बना, सुन्नत शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, गइबत चुगली हसद बुग्ज रियाकारी झूठ दगाबाजी धोखा फरेब बदमाशी अय्यारी हर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, नेकी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, ए अल्लाह उठने से पहले फिर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह अब हम गुनाहों से बचेंगे इंशाल्लाह, हम गुनाहों से बचेंगे इंशाल्लाह मौला, मौला बहुत गुनाह किया मौला, बहुत गुनाह किया मौला, या अल्लाह ये आँखें आपने दी मौला, जबान आपने दी मौला, हम आपका एहसान मानते हैं मौला, वरना आप अंधा पैदा करते तो कोई पूछने वाला तुम्हें नहीं था मौला, आप हमें गूंगा पैदा करते कोई पूछने वाला नहीं था मौला, कान या अल्लाह कान से बहरा पैदा करते कोई पूछने वाला नहीं था, लोग हमें चिढ़ाते कि बोबा चला, लोग हमें चिढ़ाते कि ये गूंगा चला, कोई हमें चढ़ाता कि बहरा चला, आज ये अल्लाह तूने हमें कितना अच्छा बनाया मौला, इतना प्यारा बनाया मौला, यह आपका एहसान है मौला, हम नियत करते कि इंशाल्लाह आप गुनाहों से बचेंगे इंशाल्लाह, या अल्लाह हम अपनी ज़िंदगी को प्यारी ज़िंदगी बनाएंगे मौला, या अल्लाह आपके सामने अब नियत करते हैं, या अल्लाह आपको जो सच्चे दिल से तौबा करने वाला आपको बहुत पसंद आता है, आपको बंदा बहुत प्यारा लगता है, हम पूरा ये पूरा मजमा आज एक साथ नियत कर रहा है कि इंशाल्लाह हम गुनाहों से बचेंगे, अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, मांगा ना मांगा मांगने से कबूल फरमा, नबी अलैहिस्सलाम ने जितनी भी खैर के लाइन से दुआ मांगी हम भी मांगते हैं, शुरू करने से नजात मांगी नजात मांगते नजात अता फरमा, जो लोग इस प्रोग्राम के लिए मेहनतें कर रहे हैं
मुफ्ती सुहेल साहब या मोइनुद्दीन साहब या इसी तरह जो भी अहबाब मेहनतें कर रहे हैं, सबके मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए। कारी इम्तियाज साहब जो बेचारे इतने दूर से सफ़र करके मौला गाड़ियों में सफ़र करते हुए सिर्फ एक नातुन नबी अलैहिस्सलाम को सुनाने के लिए पहुँचे हैं, अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमा लीजिए। इनका नाम नबी अलैहिस्सलाम के मुहिब्बीन में शामिल फरमा दीजिए मौला, इन्हें खूब कबूल फरमा लीजिए मौला। मांगा ना मांगा, मांगने से कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदी वालिहि वसहबी अजमईन।